नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मेटा सीईओ और फेसबुक के कोफाउंडर मार्क जकरबर्ग ने लोगों से माफी मांगी है। बुधवार को ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी की सुनवाई के दौरान ऑडियंस में कुछ लोगों ने पोस्टर दिखाए कि किस तरह से इंस्टाग्राम बच्चों के सुसाइड और शोषण को बढ़ावा दे रहा है। जकरबर्ग ने बोला, मैं उन सभी चीजों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ जिनसे आपको गुजरना पड़ा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर बच्चों की सेफ्टी को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं। ऐसे ही एक मामले पर सांसद सुनवाई कर रहे थे। इसमें मार्क ने बोला कि ये बहुत ही भयानक है, किसी को भी इन सभी चीजों का सामना नहीं करना चाहिए जिनका आपको करना पड़ा है। अमेरिकी संसद बिग टेक एंड द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन क्राइसिस के मुद्दे पर मार्क जकरबर्ग और दूसरी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से सवाल कर रहे थे। बता दें, सांसदों ने ये सवाल ना सिर्फ मेटा के सीईओ से किया है बल्कि टिकटॉक, डिस्कॉर्ड, एक्स और स्नैप के सीईओ से भी किया है। जब सांसद इन कंपनियों के सीईओ से सवाल कर रहे थे तो आम जनता अपने बच्चों की फोटोज के साथ मौजूद थे। उन्होंने नीले रंग का रिबन भी पहन रखा था जिस पर लिखा था स्टॉप ऑनलाइन हार्म्स। यह पर कोसा का मतलब किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। सुनवाई के लिए जैसे ही मार्क जकरबर्ग पहुंचे तो उन्हें स्क्रूटनी और आलोचना का सामना करना पड़ा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब फेसबुक को आलोचना का सामना करना पड़ा हो। जकरबर्ग ने जब पेरेंट्स से माफी मांगी तो ये शब्द माइक्रोफोन में नहीं थे बल्कि इसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सुना जा सकता था। पेरेंट्स से माफी मांगने के बाद मार्क जकरबर्ग ने कहा कि यही वजह है कि हम इतना निवेश कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री लीडिंग प्रयास करते रहेंगे जिससे किसी को भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े जैसा आपके परिवार को करना पड़ा।